हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के लेक्चर में हम लोग रॉबर्ट नॉज़िक के पॉलिटिकल थ्योरी को समझने वाले हैं। आज का जो ये लेक्चर रहेगा वो ओवरऑल एक तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ रॉबर्ट नॉज़िक रहेगा, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में वो सारे आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मिनिमल स्टेट या इंटाइटलमेंट थ्योरी, राइट। तो इस तरीके के बेसिक या यूटोपिया किस वजह से इन्होंने कहा, या किस तरीके से इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिसीज हैं उनको अपोज किया, ओके, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन को मिनिमाइज करने की बात करते हैं ये। तो इन सारी डायमेंशन पे आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो रॉबर्ट नॉज़िक की जो इंटाइटलमेंट थ्योरी है उसमें हम लोग सेपरेट वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम इनके जस्टिस के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे कॉमेंट करके बताइए कि जो इनका इंटाइटलमेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, क्या आपको उसमें सेपरेट एंड डिटेल वीडियो चाहिए, क्या डिटेल लेक्चर चाहिए क्या? तो अगर आप मुझे कॉमेंट करेंगे तभी मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ओके। तो रॉबर्ट नॉज़िक पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे हम रॉबर्ट नॉज़िक के बारे में। इसके पहले मैं यहाँ पर ब्रीफ अबाउट मी, और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टडी विथ कम्फर्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे मिल जाएगा आपको, देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पर आपको डिटेल सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन प्लेलिस्ट पे जाकर लेक्चर्स को फाइंड आउट करना है, चेकआउट करना है, ओके। मेरा एक दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही सिंपलेस्ट वे पे पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स एंड सिलेबस को कवर करते हैं यहाँ पर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम UGC नेट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं एंड लेक्चर्स डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ GS के भी कुछ वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, जहाँ पर आप कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ में, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। वापस आते हैं अपने लेक्चर में। रॉबर्ट नॉज़िक पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट नॉज़िक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, राइट, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। और उनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, उनकी सबसे फेमस बुक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में आउटलाइन किए गए हैं उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को, अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को इस पॉपुलर बुक में उन्होंने आउटलाइन किया है। अगर आप देखोगे तो इस बुक में जो उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, कहीं ना कहीं ऐसे आर्गुमेंट प्रेजेंट करती है जो रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट में हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ जैसे कि अमीरों पे टैक्स लगाना और उस टैक्स को वेलफेयर स्कीम्स के नाम से गरीबों में वेलफेयर स्कीम्स चलाना गरीबों के लिए, राइट। जैसे कि मान लीजिए टैक्स वसूला गया अमीरों से, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स के हैं, जो एक लेवल से ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, फिर उस टैक्स के द्वारा ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए फ्री एजुकेशन, ओके, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये या सब्सिडाइज्ड फूड, ओके। तो इस तरीके की जो रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, रॉबर्ट नॉज़िक इनके खिलाफ हैं, इनको चैलेंज करते हैं। और इनका मानना है कि ज़बरदस्ती का ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ह्यूमन की लिबर्टी पे, ह्यूमन की फ्रीडम टू एक्युमुलेट वेल्थ। तो यहाँ पर ये फेवर करते हैं कि भाई मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट या स्टेट का काम क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ओके। इसके अलावा जो स्टेट है या गवर्नमेंट है उसको इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, निगेटिव जो आपकी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इनके बारे में, एंड ओवरऑल एक थीम आपको समझ में आ गई कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब हम डिटेल में चलेंगे इनके इन पॉलिटिकल आइडियाज़ पे। तो अर्ली लाइफ की बात करें अगर हम रॉबर्ट नॉज़िक की, अगर इनके लाइफ एंड करियर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें, तो रॉबर्ट नॉज़िक वॉज बोर्न इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क इन 1938, और इसके बाद कोलंबियन यूनिवर्सिटी इन्होंने अटेंड किया, PhD करी,
इसके बाद से एकेडमिक कैरियर अगर आप देखो तो ऑलरेडी मैंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे कुछ सालों तक इन्होंने पढ़ाया, प्रोफेसर के रूप में काम किया है, और इनके जो नोटेबल वर्क हैं, जो इनकी बुक्स हैं, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया सबसे पॉपुलर बुक है इनके इनके द्वारा जो लिखी गई है, द एग्जामिन्ड लाइफ, इसके बाद फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, कुछ और भी बुक्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर रही हैं। तो ये इनके बारे में हो गया। अब आते हैं कि अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, जो बार बार इनकी किताब हम देख रहे हैं कि अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसका ओवरव्यू देखें जिसमें पॉलिटिकल आइडियाज़ को इन्होंने आउटलाइन किया है रॉबर्ट नॉज़िक ने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है जो लिबर्टेरियनिज्म फिलॉसफी है। नॉज़िक की जो बुक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया बेसिकली किस बात के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देती है, मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसका जो एक्शन या उसके जो फंक्शन है, उसका सिर्फ फंक्शन या उसका कार्य कहाँ तक लिमिटेड है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने तक, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने तक, ओके। और एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे जहाँ पर वॉलंटरी एक्सचेंज हो बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के, एक तरीके से फ्री मार्केट हो, ओके, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड हो, ना कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर बेस्ड हो। तो ये इनका लिबर्टेरियनिज्म की बेसिक फिलॉसफी की यहाँ ये को ये सपोर्ट करते हैं। इंटाइटलमेंट थ्योरी इनकी जो है वो रॉबर्ट नॉज़िक का ये अप्रोच है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है या जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ हैं, ओके, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं समाज में रिसोर्सेज, वो नहीं होना चाहिए। इंटाइटलमेंट मतलब ये होता है हक, एक तरीके से ये समझ लो ऑनरशिप। तो यहाँ रॉबर्ट नॉज़िक ये कहते हैं कि जो पीपल्स हैं वो उनके जो भी होल्डिंग्स हैं, वो जो भी वेल्थ जनरेट करते हैं अपने काम के द्वारा या किसी से गिफ्ट मिलते हैं या वॉलंटरी ट्रांजेक्शन के द्वारा उन्हें जो गेन होता है, उसमें इंटाइटलमेंट किसका होता है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपने मेहनत करके कुछ बनाया, कुछ अर्न किया, तो वो उस पर हमारा हक है। तो इनका मेन ये था कि गवर्नमेंट क्यों इस तरीके से जो टैक्सेस लगाकर एंड ऑल करके किस तरीके से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ये फेयर नहीं है। सो द इंटाइटलमेंट थ्योरी जो नॉज़िक के द्वारा दी गई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है दैट होल्ड्स द इंटाइटलमेंट राइट। मैं इस पर डिटेल वीडियो तभी बनाऊंगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करेंगे, तब हम इंटाइटलमेंट थ्योरी को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। थीम्स की बात करें अगर हम अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में, तो इसमें बहुत सारी थीम्स या बहुत सारे इश्यूज पे एड्रेस किया गया, जैसे इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म एंड नेचर ऑफ द स्टेट। कंसेप्ट ऑफ यूटोपिया क्या है बेसिकली, तो जो नॉज़िक हैं ये इस एक आइडिया को चैलेंज करते हैं और उस आइडिया को ये यूटोपिया कहते हैं, एक तरीके से काल्पनिक कहते हैं। वो आइडिया क्या है कि भाई हमें एक आइडियल सोसाइटी बनाना थ्रू दी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर नॉज़िक कहते हैं कि जो ये आइडिया है ना, ये क्या है, यूटोपिया है, ये कोरी कल्पना है, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो नॉज़िक क्या कहते हैं, उनका बिलीव क्या था कि भाई अगर इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, आइडियल सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है थ्रू दी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी राइट्स और उनकी ऑटोनॉमी को खतरा है, उनकी ऑटोनॉमी एंड राइट्स को थ्रेट है, उनका वायलेशन होगा, जो कहीं से भी फेयर नहीं है, जो कहीं से भी यहाँ पर सजेस्टेड नहीं है। तो एक तरीके से इंडिविजुअल के राइट्स एंड ऑटोनॉमी को वायलेट करके आइडियल सोसाइटी थ्रू दी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल बनाने का जो आइडिया है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ यूटोपिया, ओके, ये इन्होंने यहाँ पर बात करी है। अब हम आ जाते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नॉज़िक पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने फ्री मार्केट की बात करी है, ओके, फ्री मार्केट यहाँ पर किस तरीके से कि भाई वॉलंट्री एक्सचेंज एंड मिनिमल रेगुलेशंस के साथ मार्केट वर्क करनी चाहिए, ऑपरेट करनी चाहिए, ओके, ये फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद से इंडिविजुअल राइट्स, सो नॉज़िक बिलीव करते हैं कि जो निगेटिव राइट्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। निगेटिव राइट्स क्या होते हैं, निगेटिव लिबर्टी क्या होती है, अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस या मिनिमल गवर्नमेंट का प्रेजेंस होना, ओके, ये होता है निगेटिव राइट्स।
मिनिमल स्टेट, मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई जो स्टेट का फंक्शन है ना वो बहुत ही मिनिमम है, और वो कहाँ तक लिमिटेड है, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने पे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे। क्रिटिक ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर रॉबर्ट नोज़िक ने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट के, एक्शंस होते हैं जिन्हें अफर्मेटिव एक्शंस वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं, ये इनके खिलाफ हैं। इनका मानना है कि इस तरीके की चीज़ें या रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड उनके राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज करते हैं, वायलेट करते हैं, और ये कोहर्सिवली उनसे उनका हक लेते हैं, उनका इंटाइटलमेंट लेते हैं लोगों से। तो ये कहीं से भी सजेस्टेड नहीं है। तो ये थे कोर प्रिंसिपल। अब जब इस तरीके के कोर प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वेलफेयर स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट को सपोर्ट करते हैं। तो आते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्रिटिक्स का कैसा रिएक्शन है ऑन द नोज़िक्स पॉलिटिकल थ्योरी। रीडिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस की बात करें यहाँ पर हम, तो क्रिटिक्स का मानना है कि जो नोज़िक की एंटाइटलमेंट थ्योरी है वो फेल हो जाती है टू एड्रेस द इशू ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एंड जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी एंड डिसएडवांटेज प्रेजेंट है उसके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। चेंज इन प्रोग्रेस की तरह के हिसाब से देखें तो क्रिटिक्स का कहना है कि जो नोज़िक की आइडिया है इंटाइटलमेंट थ्योरी का या अदर पॉलिटिकल आइडियाज़, चाहे वो मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, ये सारे आउटडेटेड हैं, और जो मॉडर्न एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में उसके लिए आउटडेटेड हो गई है, उसके लिए सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। अब समाज में इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, अब हमें उनको एड्रेस करना है। या कह सकते हो कि हम जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम क्या बात करते हैं कि हम इक्वालिटी अचीव करेंगे, ओके, तो अब इस तरीके की थ्योरीज इसके लिए काम नहीं करेगी, ओके। ऑल्टरनेटिव थ्योरीज, तो क्रिटिक्स मानते हैं कि हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हैं जो कहीं ज़्यादा बेटर हैं रॉबर्ट नोज़िक की थ्योरी से, ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो ओवरऑल हम क्रिटिसिज्म अगर हम देखें रॉबर्ट नोज़िक का, तो इनकी जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंशियल तो थी बट साथ ही साथ कॉन्ट्रोवर्सियल थी। जस्ट इन्फ्लुएंशियल क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिफेंस करती है इंडिविजुअल राइट्स का और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। भाई इंडिविजुअल्स के राइट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो हमारे लिए वो राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स, चाहे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, ये सारे जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रॉबर्ट नोज़िक स्ट्रॉन्ग डिफेंस करते हैं इंडिविजुअल के राइट्स का, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है रॉबर्ट नोज़िक का। बट वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें रॉबर्ट नोज़िक के पॉलिटिकल थॉट को, तो जिस तरीके से वो रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फुल्ली एड्रेस नहीं करती हैं इश्यूज ऑफ द सोशल जस्टिस को, इनइक्वालिटी को एंड कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। आज के टाइम पे हम एक वेलफेयर स्टेट में क्या देखते हैं कि कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, ओके, तो यहाँ पर जो रॉबर्ट नोज़िक की थ्योरी है कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट हो जाती है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द सोसाइटी हो। तो यहाँ पर इनका जो वर्क है वो अभी भी डिस्कशन या इस पर डिबेट होती रहती है कि भाई स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म के बाद अगर हम कंक्लूड करें इस डिस्कशन को, तो हम देखेंगे कि रॉबर्ट नोज़िक है, इनके पॉलिटिकल थ्योरी पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि इन्होंने जो लिबर्टेरियनिज्म मूवमेंट है वर्ल्ड पे उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, या एक तरीके से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन प्रोवाइड की है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो लिबर्टेरियन मूवमेंट्स हैं उनको शेप करने पे बहुत ज़्यादा इन्होंने शेप करने पे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इनकी लिगेसी इसी चीज़ में है कि किस तरीके से इंडिविजुअल राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं और गवर्नमेंट को इंडिविजुअल राइट्स को एक तरीके से वायलेट नहीं करना चाहिए। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इनके ह्यूज या सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो अभी भी हम कैरी ऑन कर रहे हैं। अगर हम कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस देखें
तो रॉबर्ट नॉजिक का जो ये जो जो रोल को लेकर है, स्टेट के रोल को लेकर है कि भाई स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, ये अभी भी डिबेट का एक हिस्सा है कि भाई स्टेट की लिमिटेशंस कहाँ तक होना चाहिए, स्टेट को इंडिविजुअल के राइट्स में कहाँ तक इंटरफेयर करना चाहिए। प्रेजेंट में 21st सेंचुरी में जिस तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट उभर कर आ रही है, राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म हो रहा है, आप देखोगे कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद है या नेशनलिज्म के नाम पे लोगों के इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनसे कहीं उनको कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, ओके, इस तरीके की चीज़ें। तो अभी भी ये डिबेट का एक हिस्सा है और कंटिन्यू इस पर डिबेट होती रही है कि भाई स्टेट का रोल क्या होना चाहिए एक सोसाइटी में, या इंडिविजुअल के राइट्स एंड पब्लिक गुड के बीच में रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। भाई एक तरफ हम इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पब्लिक गुड को भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरी तरफ वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। तो इस पर हमेशा डिबेट होती रहती है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस एक्सटेंट तक करना चाहिए, ओके, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करते हैं, वहीं वे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न के थ्रू हम इंडिविजुअल के राइट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दो के बीच में बैलेंस कैसे बिठाया जाए, ये अभी भी एक डिबेट का हिस्सा है और लगातार इस पर लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसके बीच में बैलेंस कैसे बिठाया जाए, इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जाए। तो ये अभी भी रेलेवेंट है, नो डाउट इसमें। तो ये था रॉबर्ट नॉजिक के पॉलिटिकल आइडियाज़। ओवरऑल हमने यहाँ पर ओवरव्यू लिया है और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इनकी जो इंटाइटलमेंट थ्योरी है इसमें हम लोग एक सेपरेट एंड डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे। हम जो लिबर्टेरियनिज्म है इसकी फिलॉसफी पे एक डिटेल वीडियो डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको और इनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए रॉबर्ट नॉजिक के पॉलिटिकल थॉट का। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कॉमेंट बिलो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स किस टॉपिक पे चाहिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।